दोस्तों साथियों नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिमांडेड वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास लगातार कॉल्स आ रही है कि सर मेरे पासवर्ड सेट नहीं हो पा रहे, मेरी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रही, वहां पे एरर आ रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस चीज से रिलेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ, जैसे पासवर्ड आपको किस प्रकार का डालना है, साथ ही साथ दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, पैन कार्ड या आधार कार्ड अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, वहां पे एमबी और केबी का, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको वो कम करना है। तो फाइनली इस वीडियो को दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं इस वक्त दोस्तों घर में नहीं हूं, हॉस्पिटल में हूं, और यहां पे दोस्तों सड़क है, तो हो सकता है कभी आपको गाड़ी का आवाज बीच में आ जाए और मैं यहां पे दोस्तों ज्यादा एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा आवाज का नॉइस का फेस करना पड़ सकता है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि जैसे ही लोग यहां पर अपना पासवर्ड सेट कर रहे हैं, दोनों जगह सेम पासवर्ड डाल रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार का एरर आ जा रहा है। इस एरर को मैं सॉल्व करके इसमें बताऊंगा कैसे दोस्तों आसानी से पासवर्ड डाल सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि दोस्तों जितने भी लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं तो वहां पे एक एरर आ जा रहा है। क्या एरर आ रहा है? एमबी और केबी का, वहां पे इस टाइप से लिखा हुआ आ रहा है कि 1024 एमबी ग्रेटर देन 1024 एमबी, बट आपका इमेज होना चाहिए 1024 एमबी से केबी से कम का, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं उसको। तो यहां पे दोस्तों मैं इमेज ले लेता हूं। दोस्तों सबसे पहला प्रॉब्लम लोगों का यही है कि एडीएक्स पासवर्ड प्रॉब्लम सॉल्व। दोस्तों इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। दोस्तों यहां पर मैं अगर इसको पढ़ के बताऊं तो यहां पे क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूं। मस्ट कंटेन वन स्पेशल कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्या हो दोस्तों? जैसे मैं यहां पे देखिए मैं स्पेशल कैरेक्टर लिख रखा हूं, जैसे यहां पे एट द रेट है, उसके बाद दोस्तों हैज है, उसके बाद दोस्तों एंड है, तो इस प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर आपके पासवर्ड में एक ना एक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा दोस्तों यहां पे है अपर केस। अपर केस में दोस्तों आपका एबीसीडी का बड़ा लेटर जरूर होना चाहिए आपके पासवर्ड में। तीसरा दोस्तों लोअर केस, मतलब एबीसीडी का एक स्मॉल लेटर जरूर होना चाहिए आपके पासवर्ड में। और दोस्तों नंबर्स, ये कि आपके पासवर्ड में नंबर होना चाहिए। ये दोस्तों मिक्सचर इसलिए बनाकर पासवर्ड डालने के लिए देता है ताकि आपका पासवर्ड कोई भी हैकर हैक ना कर पाए, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होती है। तो अब मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार का पासवर्ड डालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे अगर आपका नाम है राम तो आप डाल सकते हैं ram@1234.5, ये ram@ या double@2002-2005 आप इस प्रकार का पासवर्ड डालें। इसमें देखिए इसमें मैंने राम को कैपिटल रखा है, आर कैपिटल है, बाकी दो स्मॉल लेटर है, एक स्पेशल कैरेक्टर है और बाकी बस नंबर्स हैं। तो इस प्रकार का पासवर्ड दोस्तों आपको फिल करना है, डालना है। यहां पे देखिए सुनैना, तो सुनैना@2025, इस प्रकार का पासवर्ड आप डालेंगे तो 100% वो दोस्तों आपका कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये वीडियो दोस्तों सिर्फ यहीं पे नहीं, आपको हर एक जगह पे ये काम देगा, क्योंकि इस प्रकार का पासवर्ड हर एक जगह पे आज के डेट में मांगता है। सो आई होप कि अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी का नाम है अगर रोहित तो कैपिटल आर, बाकी सब स्मॉल, और @2002 आप हैज भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर में डाल सकते हैं और अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट का। दोस्तों यहां पर देखिए जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो कुछ इस प्रकार का एरर आ जाता है, द आइडेंटिटी फ्रॉम पाथ मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 1024 किलोबाइट। यानी कि यहां पर देखिए मैं नीचे में लिख दिया हूं फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको यहां से जीके का नॉलेज भी मिल जाएगा। यहां पे दोस्तों देख सकते हैं 1 MB = 1024 KB होता है, केबी 1 MB = 1024 KB, और केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, और 1024 MB = 1 GB होता है। कहते हैं ना कि हमारा मोबाइल में 118 GB 108 GB का है, तो दोस्तों 1 GB = 124 MB होता है। तो दोस्तों यहां पे जो आपका इमेज है ना, ये जो पैन कार्ड का इमेज डालते हैं, आधार कार्ड का इमेज डालते हैं, तो उस इमेज का साइज 1024 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1024 MB से कम होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो मोबाइल्स आज के डेट में HD क्वालिटी का जो फोटो देते हैं वो 1 MB से ज्यादा हो जाता है, 2 MB 3 MB का हो जाता है। तो हम MB को कम कैसे करेंगे, MB को कम करके आपको डालना है। तो आप जान लेते हैं कि MB को कम कैसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं म्यूट कर लेता हूं, काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब दोस्तों हम लोग कहां चलते हैं, आपको एक ऐप का जरूरत पड़ेगा, उसी से दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका MB का कम होगा। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर में जाना है फ्रेंड्स, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक ऐप सर्च कर लेना है। ये देखिए ये कंप्रेसर इमेज साइज इन केबी एंड एमबी, यानी कि अगर आपका इमेज एमबी में है तो उसको केबी में बदल देगा, केबी में है तो एमबी में बदल देगा। तो दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन कर लेनी है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इमेज आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां से फोटो को चूज करना है, जिस फोटो का साइज आप कम करना चाहते हैं वो फोटो आपको यहां से चूज कर लेना है। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं यहां पे स्क्रीनशॉट में जाऊंगा, और यहां पे दोस्तों मेरा जो ये दोस्तों मैं यहां से एक इमेज ले लेता हूं, ये पैन कार्ड का। देखिए दोस्तों ये मेरा पैन कार्ड है, ठीक है। तो मैं अपने पैन कार्ड को यहां पे लेता हूं, जैसे मैं पैन कार्ड को सिलेक्ट करूंगा तो यहां पर देखिए दोस्तों
कितना इसका साइज बता रहा है, इसका साइज बता रहा है यहाँ पे 1019 KB, यानी कि 1.02 MB। तो दोस्तों यहाँ पर 1024 KB से कम होना चाहिए, लेकिन ये तो 1024 KB से ज़्यादा है। तो अगर मैं ये पेन कार्ड अपलोड करूँगा तो कभी भी हमारा वहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो आपको कम कर लेनी है, आपको KB में कर लेना है। देखिए यहाँ पे KB लिखा हुआ है, KB में, तो KB में सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से इस प्रकार से KB कर लेना है। और यहाँ पे कितना KB में करना चाहते हैं, ये 1019 KB में है, तो दोस्तों हमें तो 1024 KB से कम चाहिए। तो यहाँ पे आप 500 कर लीजिए, या 600 कर लीजिए, या 700 कर लीजिए। और जैसे ही आप कंप्रेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप कंप्रेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों ऑटोमेटिक साइज कम हो जाएगा। देखिए 500 MB से भी कम हो गया। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रेड कलर का आ गया, 0.40 MB हो चुका है, यानी कि 399 KB हो गया, यानी कि 400 KB का ये फोटो हो गया फ्रेंड्स। अब आपको गैलरी में जाकर यही फोटो अपलोड कर देना है। ठीक इसी प्रकार से किसी भी फोटो का साइज कम करना चाहते हैं तो फिर से आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। जिस भी फोटो का आप साइज कम करना चाहते हैं, जिस भी फोटो का साइज आप कम करना चाहते हो, तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको साइज डालना है, और साइज डालने के बाद दोस्तों आपको कंप्रेस पे क्लिक कर देना है, वो इमेज कंप्रेस हो जाएगा। जैसे अगर आप 200 KB का करना चाहते हैं सबसे कम, तो दोस्तों कंप्रेस करेंगे 200 KB का हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप साइज कम कर सकते हैं, और उसके बाद जो आप कम करेंगे वही फोटो को आपको अपलोड कर देना है, सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। मैं भी इसी तरह से करता हूँ, और मेरे साथ भी एरर आया था। अगर आप दोस्तों वीडियो मेरा नहीं देखें कंप्लीट 16 मिनट का, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मैं इस टाइप के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया हूँ। पर कोई भी व्यक्ति पूरा वीडियो क्यों देखना चाहेगा, वो थोड़ा सा देखता है और करने लग जाता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक डाल रखा है मैंने, 16 मिनट के वीडियो है, आप उसको जरूर देखें। और आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।